खबर दतिया जिले के जिगना की है, जहां सूत्रों के मुताबिक 28 अप्रैल को मलखान सिंह लोधी, राहुल लोधी, अजय लोधी, सभी निवासी कमरारी को भंवर सिंह लोधी, अनिल लोधी, विपिन लोधी द्वारा लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से स्कॉर्पियो गाड़ी के किराए को लेकर प्राण घातक हमला किया गया था, जिस पर मलखान लोधी की रिपोर्ट पर थाना जिगना में भंवर सिंह लोधी, अनिल व विपिन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 72/20, धारा 307, 323, 34 भादवी का पंजीबद्ध किया गया था, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के आदेश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरडी प्रजापति, एसडीओपी धर्मेंद्र तोमर के मार्गदर्शन में जिगना थाना प्रभारी को मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए, जिसके बाद हरकत में आते हुए पुलिस ने मात्र 7 घंटे में ही तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर ग्राम कामरारी से मैं मशरूका के गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में मुख्य भूमिका थाना प्रभारी जिगना रविंद्र शर्मा, सवनी महेश श्रीवास्तव, प्रयार राजेंद्र दीक्षित, आर रविंद्र, दिलीप और गिरिराज की रही है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।